सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये वाचिंग राइट एक्स और आई होप आप सब बढ़िया होंगे। सो गाइस, फटाफट से करते हैं ड्यूको गोल्ड शर्ट और कॉलेज के लिए निकलते हैं, लेट ना हो जाए। ग्लव्स व्लव्स पहनते हैं फटाफट से, फिर निकलते हैं। गाड़ी चेक कर लो भाई, क्या गंदी हो चुकी है। बारिश का मौसम है भाई, यही चलता है बारिश के मौसम में। और अभी इसको होने देते हैं कोल्ड स्टार्ट, फिर निकलता है थोड़ी देर में। सो गाइस, मैं निकल चुका हूँ कॉलेज के लिए। और भाई, रोड यहाँ पर हो रही है थोड़ी बहुत गीली, हल्की हल्की बूंदाबांदी भी हो रही है, पर कोई नहीं, आराम आराम से जा रहे हैं अपना। और इनको देखो भाई साहब, पूरा रेनकोट खुद भी कवर कर लिया और गाड़ी को भी कवर कर रहे हैं, क्या बात है। ऐसा रेनकोट मेरे को भी ला के दो कहीं से कोई। बस दिक्कत यह है कि यार बारिश ना हो यहाँ पर। सुबह आज चेक कर सकते हैं आप लोगों की, आ चुके हैं स्ट्रेट रोड। और भाई, यहीं खींचने का मौका मिलता है थोड़ा सा ही, बस ज़्यादा नहीं। ओ भाई यार, बारिश हो रही है, वाइजर डाउन कर लेता हूँ मैं। चलो बारिश हो रही है क्या भाई? यहाँ बारिश हो रही है यार, रुकना पड़ेगा मेरे को भाई। सो गाइस, यहाँ रेनकोट पहनना पड़ेगा मेरे को, वरना भीग जाऊंगा मैं। यार बारिश हो रही है गंदी वाली। बाइक देखो तुम अपनी, कितनी प्यारी लग रही है। तो यार फटाफट पहले मैं पहनता हूँ, उसके बाद दिखाता हूँ आपको जो भी रहेगा। सो गाइस, रेनकोट मैंने पहन लिया है और अब ग्लव्स में मुझे ये बांधने में मुश्किल हो रही है। तो भाई निकलता हूँ मैं फटाफट, बारिश की दिक्कत। चलो, रेन मोड लगा देता हूँ, रेन मोड सही रहेगा, पावर ड्रॉप हो जाती है उससे। रेन मोड अब ठीक है। ओ भाई, पावर ड्रॉप हो चुकी है। भाई पावर में यार बहुत ज़्यादा फ़र्क आ गया भाई रेन मोड के बाद, सही बता रहा हूँ मैं। मतलब छोटा ले रहा हूँ ना मैं, तो बिल्कुल ऐसे चल रही है, बिल्कुल झटका नहीं दे रही है। यार बारिश में कॉलेज जाने का भी बड़ी दिक्कत है, भयंकर। फिर पहले यहाँ पहनो सब ताम झाम, फिर वहाँ भी, वहाँ उतारो, फिर वहाँ अगर बारिश हुई दोबारा तो दोबारा पहनो आते वक्त, यही चलता रहता है। फ्यूल अप जरूरी है, फ्यूल अप। पाँच सौ दस नॉर्मल। सो गाइस, फ्यूल अप हो चुका है 510 का, और जल्दी से करते हैं पेमेंट, उसके बाद फटाफट कॉलेज निकलता हूँ, लेट जाऊँगा वरना। अब तो लेट होनी है भाई। भाई रेन मोड में इसकी बात पता नहीं कैसी होगी, दबी दबी ही, अजीब सी आवाज़ आ रही है भाई रेन मोड में। मेरे हिसाब से शायद पावर कट कर रहा है ना, इसलिए वैसी आवाज़ आ रही है। सो गाइस, मैं कॉलेज पहुंच चुका हूं और देख सकते हैं भाई यहां पर भी बड़ा गंदा ट्रैफिक लग रहा है, क्योंकि सुबह सुबह सब आते हैं यहां पर, टीचर भी, बच्चे भी, कार बाइक एक्टिवा सब लेके, वही है बस।
में लगाते हैं उसको, जहाज को लगाएंगे एंड में। रुक रुक, अबे ये क्या हो रहा है भाई। सो गाइस फटाफट निकलते हैं कॉलेज, लेट होगी मेरे को। सो गाइस कॉलेज हो चुका है ख़त्म, मतलब क्लासेस हो चुकी है ख़त्म, और ये रही अपनी बाइक। फटाफट से करते हैं कोल्ड स्टार्ट भाई, बारिश वाला मौसम हो रहा है और बूंदाबांदी भी हल्की फुल्की, मतलब आ सकती है बारिश, तो निकलते हैं भाई यहाँ से फटाफट। भाई सब कॉलेज में हालत ख़राब हो जाती है यार सही में। हमने सोचा था मज़े होंगे कॉलेज में, पर मज़े नहीं हो रहे हैं, बस पढ़ाई हो रही है और दिमाग ख़राब हो रहा है। चलो कोई नहीं, मज़े के लिए हमने बाइक तो ले रखी है, अब बाइक के साथ करेंगे मज़े। ग्लव्स पहन दो फिर निकलते हैं फटाफट। लो भाई तुम थार चेक करो, थार वाले भरे पड़े हैं भाई यहाँ पर। लो भाई ये आ चुका है तुम्हारा फेवरेट फॉरेस्ट। भाई इतने गड्ढे क्यों हैं इधर, ये देखो। ये मुझे ऐसे लगती है MT10 आती है ना वो सुपर बाइक, ये देखो। ओ भाई साहब लाइटें देखो क्या बात है, एक से एक है भाई, एक से एक। मतलब क्या है ये सीन की, चश्मा लगा लो, हेलमेट लगाना है। क्या है ये सीन कि भाई चश्मा लगा लेंगे, टोपी लगा लेंगे, पर हेलमेट नहीं लगाएंगे भाई। देखो एक्टिया वाले को। सो गाइस अगर आपको व्लॉग पसंद आ रहा है वीडियो कर देना लाइक और चैनल कर देना सब्सक्राइब इसी तरीके का और कंटेंट देखने के लिए। भाई तुम लोग यार वीडियो देखते हो पर वीडियो को तुम लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते, तो भाई सब्सक्राइब कर देना और लाइक भी, है ना। वो देखो ड्यूक भाई, KTM जो है ना भाई ब्रांड एक नंबर है, पर कुछ लोगों की वजह से इस ब्रांड की जो इमेज है भाई बहुत नीचे आ चुकी है। लेकिन जो रियल राइडर है ना भाई उसको ही पता है कि ये ब्रांड क्या चीज़ है भाई, क्या चीज़ है सही में। अगर 3090 सही बता रहा हूँ, अगर 3090 आ गई ना भाई यहाँ पर KTM की ड्यूक 3090, तो भाई फिर तो सारी बाइकें फेल हैं। अब तुम खुद सोच लो 390 में इतना टॉर्क है, 390 और वो है 3090, तो सोच लो क्या चीज़ है भाई, डेंजरस मशीन है भाई पूरी। इसको ही इतना तरीके से चलाना पड़ता है, तो भाई उसको तो मतलब चलाने के लिए बहुत एक्सपीरियंस चाहिए। और इंडिया खासकर इंडिया जैसी जगह पे जहाँ पर कोई भी तीतर बन जाता है एकदम से निकल के, तो वहाँ तो फिर दिक्कत ही है। बट वही है कि अगर तुम आराम से रखोगे, स्पीड कम रखोगे, तो कोई दिक्कत नहीं आती फिर, चाहे वो किसी भी बाइक हो। बस यही है सीन, और फिलहाल घर जाना है भाई फटाफट। अजीब ही बंदा हैंगर एक्टिवा लेके ऐसे चलाएंगे जैसे फॉर्च्यूनर चला रहा होगा बीच रोड पे घेर के। अजीब ही लोग हैं हैंगर। मज़ा आ गया गाइस। बस के अंदर से रिएक्शन जो आते होंगे ना भाई, अगर इंस्टा 360 होता ना कसम से, इतने मस्त रिएक्शन आते ना।
भाई लॉन्च कंट्रोल करेंगे यार इधर। चलो भाई देख रहे हो, अगर तुम्हें कंट्रोलिंग करना आता तो भाई तुम्हारे मजे हैं। चलो गाइस, आई होप आज का व्लॉग को पसंद आया होगा। तो वीडियो को कर देना लाइक और चैनल कर देना सब्सक्राइब इसी तरीके का और कंटेंट देखने के लिए। बाकी तुम्हारा भाई मेहनत कर ही रहा है, सो मैं मिलता हूँ आपको सीधा नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय।